तो भाई अब हम स्कूटी वापस करने जा रहे हैं। मैं और ऋषभ, ऋषभ नीचे बैठा है पहले ही और वो दोनों सो रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। मैं बोल रहा हूँ क्लब चलो, चलेंगे पर जाएंगे हम तो जाएंगे भाई। तो स्कूटी देने निकल लिए, चल रहा है ऋषभ आ गया, हर स्कूटी देंगे फिर हम चलेंगे क्लब। ठीक है भाई, अगली भी दिख रही है, छोड़ो मत देखो, आगे चलो। बटन बंद कर लेता हूँ, खुले हुए थे ना, यहाँ तक मुझे पता स्कूटी में जैसे जाएंगे तो ऐसे दिखेगा। चलो चलते हैं। तो यहाँ गणेश चतुर्थी मन रही है, देखो पटाखे पटाखे फूट रहे हैं सॉरी तरफ, और ऐसा लग रहा है दिवाली दिवाली पे महक आती है ना, वैसी महक आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल वैसी महक, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। मम फोड़ेगा सब, कोई भाई मिल फोड़ देंगे, ये फोड़ रहे बता फोड़वा दूंगा। अरे हाँ हाँ, मना थोड़ी करेगा तेरे को कोई बम फोड़ने के लिए, अब हम यहाँ कहाँ बम ढूंढेंगे भाइयों। ये रोड के ना इस साइड चल रहा था तो ये कह रहा मुझे कोई उड़ा जाएगा, तो मैंने बोला भाई इधर आ जा, फिर इसने बोला भाई इतना प्यार करता मैं से, मैं कहा नहीं पगले तू ही तो एक साथी है मेरा जो मेरे को बोल रहा है कि मैं तेरे साथ क्लब चलूंगा। भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा जाने का, लेकिन वो दोनों भाई तो बिल्कुल साफ ना कर कर दिए उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि चल भाई तेरा मन है तो मैं चल पड़ूंगा, ठीक है। अब उसको भी लेके आएंगे, अभी पेल पेल के लेके आऊँगा भाई, वीडियो में आके देख लेना, अगर वो आ जाए, अगर वो आ जाए तो मैं भी यही हूँ। ठीक है भाई तू देख लियो, मैं रमाई कितना कर दूंगा ऊपर जाके अभी। उसको क्या देव भाई, वैसे अगर वैसे आज गणपति है भाई गोवा में, भाई सारी जगह यहाँ बहुत अच्छे से मनाते हैं हमारे उधर, बहुत अच्छे से भाई, इतने पटाखे फूट रहे हैं ना, बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिवाली चल रही है, महक आ रही है पटाखों की, और बढ़िया वो हो रहा है रोड पे ऐसे ऐसे ना, वो है हमारे यहाँ तो हाथ में उठा लेते हैं या वैसे लेके जाते हैं छोटे से उसमें, पर यहाँ पूरा प्रॉपर ऐसे बना के लेके जाते हैं। अभी वो होएगा मतलब अंदर से पूजा हो रही है, ये मंदिर है, विसर्जन है आज। अच्छा विसर्जन है क्या, हाँ तो इसमें लेके जाएंगे ना ट्रक में, तो मतलब ये जो भी बनवा रखा है सही है भाई, सही है, सब जगह का अलग अलग होता है, कहीं पर कोई त्यौहार ज़्यादा मंगाते, ये रहा भाई ये रहा नित्या रिजॉर्ट भाई, अच्छी जगह है आना, नित्या रिजॉर्ट बहुत अच्छी जगह है भाई। मैं अभी अभी हमें कूपन कोड मिलने चालू नहीं है, नहीं तो कूपन कोड लगा देते। मैंने तो अभी मैम होगी ना तो बात करवाता हूँ, ठीक है, बाकी तो कोई बात नहीं है, उनसे मिलवाता हूँ, वो आपको बता देगी इसके बारे में। ओके गाइस ऊपर चलते हैं, अपने कुत्ते को उठा के जाता हूँ। भाइयों हम यहाँ क्लब में आए थे, मैंने क्या वाले भैया से पूछा, भैया कोई बढ़िया सा क्लब हो वहाँ ले चलो, भैया ने बोला एक क्लब है रशियन पब। तो भाई रशियन पब में पता अंदर क्या था, क्या बोलूँ मैं, हम पार्टी करने वैसे जा रहे हैं, नॉर्मल जहाँ होता है डांस फ्लोर होता है, नाचते हैं गाते हैं, कुछ लोग पीते हैं, हैं तो वहाँ जा रहे थे। झूठ बोल रहा भाई, हम तो सोन लाग रहे ना, मेरे किधर जा रहे हैं तेरे को, तो मैं ज़बरदस्ती लेके आया पता मुझे। फिर ये भैया लेके गए, भैया आपकी मिस्टेक नहीं बता रहा, वैसे बता रहा हूँ स्क्रिप्टेड, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। अभी वापस मोड़ सकता हूँ कैब, रशियन पब के नाम से है भाई, दो घंटे बच रहे हैं हमारे पास, हमारी दो घंटे बाद, भैया जल्दी करो दो घंटे बाद फ्लाइट है, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं भाई, सच्चाई ये है भाई, अभी कहेगा कि हम टिटोस जा रहे हैं, टिटोस जा रहे हैं अभी, आधे कमेंट बोला था कहेंगे भैया टिटोस जा रहे हैं। सुनो 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 सुनो, उस क्लब में ना पता क्या है, आप रूल्स सुनना, रूल्स बाउंसर खड़ा कर रखा बाहर, कितना बड़ा बड़ा सा, हाँ बहुत बड़ा, सूरज इतना बड़ा, अबे नहीं सूरज तो कुछ भी नहीं है, 6.5 फुट का और इतना मोटा, और सूरज से भी डबल, हाँ सूरज तो कुछ नहीं है उसके आगे, पता कैसा था कैसे बताऊं, पेप्सू पेप्सू को लंबा और चौड़ा कर दे, सेम पेप्सू था, है पेप्सू और तगड़ा हो जाएगा ना जब तू, सेम बाउंसर जैसा लगेगा, तो भाई और पेप्सू लंबा कैसे होगा, लंबा नहीं हो पाएगा ना, अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पेप्सू है ना, जैसे पेप्सू का शरीर है पहलवानों वाला, वैसा बाउंसर था, और वो रूल समझा रहा बाहर खड़ा हो गए, कह रहा आपके आपके टेबल के सामने चार रशियन नाचेगी, दारू मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, फ्री खाना मिलेगा, हैं मतलब पागल, वो फ्री का खाना नहीं है, वो उसके ऊपर चार्ज करते हैं, दारू फ्री कौन सी दे रहे थे आई भी, अरे हमें उससे करना क्या दारू से, फिर उस क्लब में एकदम चुप है ना भाई, ऐसा लग रहा है हम वो थोड़ी करने आए हैं यहाँ पे,
लड़की लड़कियों के साथ कुछ पता नहीं कैसी कैसी जगह आ गए गणपति विसर्जन की वजह से। भाई भाई यहाँ पे अच्छे से मनाया जाता है ना, बहुत खूब शोर शराबे से ना पटाखे फूट रहे जब से, इतनी बढ़िया महक हो रही है पटाखों की। दिवाली पे आती है हमारे उधर पटाखे का पोल्यूशन लगती है। नहीं नहीं थोड़ी थोड़ी जो आती है ना हल्की फुल्की, हमारे वहाँ तो बहुत पोल्यूशन हो जाता है। यहाँ पोल्यूशन नहीं होगा भाई, बारिश आएगी जब ही दबा देगी। और भाई आएगी और दूसरा पेड़ देगी सूरज यार, ये तो हमें वैसे ही जगह नहीं लिए क्या आ गए? अरे कथी आँख में लग रही है, बता तो देख भाई। वैसी जगह ले जाए फिल्मों में वो दिखाते हैं, वो पैसे पैसे उड़ाने जाते हैं। और ये अमरीश पुरी ऋषभ की बात करा रहे हैं, वो कौन सी थी वो ऐसे बोलती थी ना मुझे छोड़ दो, अबे तूने क्या किसी ने मुझे मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। स्कैम 2003 देखी है? नहीं वो जो स्कैम 2000 तेल की उड़ाने नहीं जाता, उड़ाता पैसा। नहीं 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 मैं बताऊं कैसा था वो गैंग्स ऑफ वासेपुर है नहीं, अरे जिसमें वो होता है वो क्लब में जाता है, अपुन गरीब नहीं है नहीं, फिर वो क्लब में जाता है सूरज। अरे वो कौन सा कॉमेडियन है, वो एक्टर है विलन के रोल करता है, किक में विलन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सेक्रेट गेम? नहीं 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 यार वो सेक्रेट गेम्स का होगा, गरीब नहीं है। हाँ बहुत पैसा है आपने पास, उसमें जो क्लब में नहीं जाता वो लड़कियां बढ़ के नाचती टेबल पे पिकनी में, वैसी जगह आ गए थे गलती से। मैं तो बाहर से ही मगर भागो यहाँ से, असली टिकट ले लो हमने कई बार, मैंने कहा गई थी टिकट ले लो, झूठ बोल रहा है। अरे भाई मैं इन कहीं चीजों कोई सत्य नहीं है भाई, ये तो मर रहा है सुबह तक पता नहीं कैसे पड़ा है भाई, कौन एंजॉय करने वाला को इनकी डाली सपोर्ट में ना पड़ूं। भाई क्लब तो जाना चाहिए, देख यहाँ पे आए हैं जैनुअन बता, वहाँ पे हम कभी जाते हैं? हम यहाँ इतनी दूर आए हैं, सारी चीज दिन में सारा घूमो रात को क्लब जाओ, हमने डांस वांस करके पार्टी करके सो जाओ। मैंने एक चीज कही थी कसीनो जाके सट्टा खेलेगा, इससे पूछो एक बार, इससे पूछो इसके पास कितने पैसे ब्याज बिठा रखे ने 1500 रुपए 5% ब्याज पे 1500 रुपए लेके आया, उससे सट्टा खेलने जा रहा है, 75 रुपए का ब्याज भर रहा है उसका हर महीने, 75 रुपए दे रहा है हर महीने। अरे इसे कसीनो जाना है, अब बताओ इसे कहां सट्टा खिला। नहीं कसीनो की बात ना तेरी, मैं कभी मतलब तेरी बात मना ही नहीं करता, तू कहीं जाने के लिए बोलता था, पर जो तूने कसीनो बोला ना अब कसीनो में एक बार बताओ, ऐसे तो तुम क्लबिंग जा रहे हो, क्लबिंग में भी तो फिर वो होता है। नहीं समझा नहीं, उसमें तो हम जुआ खेलते हैं ना, हमारे पास जितने पैसे लगाएंगे उतना होगा। अब तू 1500 रुपए का जुआ खेलेगा इतनी दूर जाके 1500 रुपए की टिकट लेके, अगर तुम 1500 रुपए की टिकट लेके अंदर जाके 1500 रुपए का जुआ खेलेगा एक बार बता। अब 1500 में तो भाई नहीं जा पा रही, वहाँ सिर्फ वैसे बंदे जाते हैं जो अच्छे करके हैं, हम नहीं जाते वहाँ, क्लबिंग जाते हैं। क्लबिंग जा सकते, क्या दिक्कत है, ड्रिंक व्रिंक नहीं करो तो क्लबिंग बहुत अच्छी जगह है, जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए बेकार है। ऋषभ भाई आपको हर्ष का बिहेवियर चेंज नहीं लग रहा? माँ छोटी बहन भाई इन्होंने मेरे से कह दी, मैं वो लोग चेंज होके बात कर रहा हूँ भाई, माँ चुके टिटू। अब मैं बताता हूँ, ओए गंडवे सुन, अब बता अब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जैसे भाई यहाँ मैं गाली वाली थोड़ी दूंगा यार, जैसे तुम्हारे साथ बात करता हूँ। अरे गाली तो, अरे भाई फिर इसमें थोड़ा सा हमें वो करना पड़ता है, यहाँ नहीं भाई आगे उतरेंगे टिटोस के सामने, भैया लेफ्ट लो भैया जाती है, चलो कल भी आए थे। अभी क्राउड नहीं है, जब क्राउड होगा जब दोबारा मिलते हैं भाइयों से, इतने हम थोड़ी देर बैठते हैं।
डिवाइस क्लबिंग करके बिल्कुल फाड़ क्लबिंग करके हम जा रहे हैं होटल वापस। और अब जाके ना सबसे मुश्किल काम है जो हमारे मिट्टी के भरे हुए कपड़े हैं ना वो पैक करने हैं। अब उनको कैसे लेके जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा, कहीं कहीं कच्चा पड़ा है, तीन चार बंदों की कमी है, दिव्य है और वो सुरती भाई भाई एक बिचू भाई की कमी है, है ना? बिचू भाई भाई प्लीज कर दे भाई बिचू, अगली बार ऐसा मत करियो प्लीज भाई प्लीज देव भाई बिचू बहुत मिस कर रहे हैं भाई, इसने तो कुछ इन्हें ही नहीं करा देव ने तो। देख मेरा पार्टनर रो रहा है तो गाइस अब हम निकल लिए घर की तरफ, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, इतना डांस करा पूरा कूद कूद के। ऋषभ ने तो भाई आग लगा दी, बताओ इसने क्या करा, क्या क्लब में क्या किया, डांस करा भाई। हाँ तो फिर नहीं क्यों कह रहा है, अरे डांस ज्यादा कर दिया भाई, जैसे स्टेप हमने कर दिए ना पूरा क्लब हिला दिया। ये दिल्ली गुड़गांव में हरियाणा के बंदे आ गए ना, ये गोवा में अलग पहचान बना लेते हैं अपनी। हर एक बंदा हमें देख रहा था सही और किलचाई भी थी बुतों की, कोई बात नहीं होता, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। या सो गाइस अब जाते हैं पहला टूर, फ्लाइट में दिखाऊंगा अब मेरे बस जुबान जा रहे हैं। जय महाकाल सारे भाइयों को, बंद है तो गाइस एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट पे आने से पहले घर का टूर भी है। देव भाई बताना चाहोगे अपने मुंह से ना भाई, क्या करिए आपने, कुछ नहीं करा मैंने, हम वापिस नहीं जा रहे, हम तो इतनी जल्दी आ गए, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है और ऋषभ ने हमें वहां से 2 बजे ही निकाल दिया और अब यहाँ खड़े 4 बजे खाने का खुलेगा, खाने का नहीं वो गेट ही 4 बजे खुलेगा। अच्छा 4 बजे खुलेगा भाई, खाने का नहीं मिलेगा कुछ भी, ये बात ध्यान रखना। हाँ क्यों, जब 4 बजे गेट खुल रहा था यहाँ की मैं ना पाऊँ। और देव है, देव ने बताया भाई क्या करा एयरपोर्ट के बाहर, देव भाई वो नाम भी नहीं ले सकते वरना फिर खा लेंगे हमने एयरपोर्ट। अरे दूसरी साइड खुल रही, हम क्या छोड़ के भाग गए भाई, एयरपोर्ट के वहाँ था और इसने ना भाई अपना बैग बाहर ही छोड़ दिया पागल ने। हाँ तो भाई इस वीडियो के बीच में 1 मिनट रोकूंगा, यहाँ पे मैं बता नहीं पाया, ये जो देव है ना इसने एक ऐसा काम करा एयरपोर्ट पे, बता दे भाई क्या करा इसने, बैग छोड़ के भाग गया बैग छोड़ के बाहर खुले में बैग छोड़ गया, सूरज के पास नहीं रखे गए, सूरज बाहर ही था वहाँ बैठा हुआ था, मैं ऋषभ वॉशरूम चले गए, पीछे पीछे देव भी अपना बैग छोड़ के आ गया, और देव बैग छोड़ के जब चला गया ना तुम्हारे पास आ रहा है चलता, मैं तेरा बैग का करा यहीं पड़ा है बाहर ही, मगर पागल जल्दी जाके देख कहीं किसी ने कुछ डाल वाल तो नहीं दिया, फंस जाएगा, इतनी देर में गए इतनी देर में था पुलिस खड़ी, कुत्ते गए बैग सुंघवारी वहां पुलिस नहीं पहुंची खड़े थे भाई। हां हां और उसका बैग सुंघवाने लग रहे देव का, हाथी पकड़ दिया आतंकवादी इधर आ देव है भी आतंकवादी एरिया से। हां और भाई देव को पकड़ लिया, अब देव यूं खड़ा हुआ, हमें आवाज तो आ रही थी, लोग भी देख रहे थे इधर उधर, सबके पास फोन आया इधर उधर फटाफट आ जाओ भाई, एक बार हम गए हमने देखा, मगर वो ये तो जो शोर शराबा मच रहा था यही अपना ही मुद्दा फंसा हुआ, तो फिर इसका बैग वैग चेक हुआ, फिर उन्होंने हमारी शक्ल देखी कि चल ठीक है ये बाड़क ठीक लग रहे हैं, फिर देव की थोड़ी चेकिंग वेकिंग करी पूरे ऐसे चेक कर दिया सब कुछ, कुत्ते उत्ते को सुंघा दिया सब कुछ कर दिया चेक करके, फिर की बोला जा चला जा आज के बाद बैग करके, बहुत समझाया फिर देव पूरे टाइम ऐसे रहा, लैस तेज ही है, ठीक है भाई तो आगे देखो कंटिन्यू। भाइयों ये देखो हर्ष कैसे सो रहा है, और भाई पंडित ने देख लो भाई वो देव पड़ा भाई, एयरपोर्ट उतर लिए हम आ गए गोवा से वापस, इतनी एनर्जी में कहते ना अपनी एनर्जी में वापस आया हूँ, मन नहीं कर रहा कर जाने का मेरे ना भाई, वो लूंगी डांस मेरे दिल लग गया वहाँ पे महीना मेरा मन कर रहा है, एक आदत चोर उठ हाँ भाई चोर एक तो भाई जो होटल जा रहे थे इतना मज़ा आया है हाँ रही अच्छा था भैया, एक ही बार में फेमिल गया तो हमने चेंज नहीं करा, नहीं तो हमारी आदत है इधर सुधर पा मज़ा आया भाई, पाँच लीटर चार बार ड्रिफ्टिंग इसके साथ बहुत आजा आजा आजा
तो भाई ऐसा ही है भाई, देख लो मार रहा है। फ्रेंडशिप वायलेंस एक होता है, डोमेस्टिक वायलेंस। सारे भाई देख माकाल करो और गोवा सीरीज को एंड करो। तो भाई गोवा सीरीज पे एंड खत्म करते हैं। माकाल भाइयों के लिए सीरीज में इस सीरीज में किसी को कुछ बोला हो उल्टा सीधा तो माफी मेरी तरफ से। और ठीक है ना, ओके, जय महाकाल भाई। जय महाकाल भाई, जय महाकाल। हाँ अच्छा, वो जय महाकाल। ये देखो भाई, ऐसे नहीं लग रहा रेलवे स्टेशन भी जाते हैं, बिहारी आते गाँव से। देखो अरे यार, दे कति याद करवा दी। और हाथ में फोन देखो, हाथ में ले रहा बोल। अरे बैग बैग देखो कति। जय महाकाल भाई, हम तो फिर कुछ खान बैठ जाएंगे।